रूम से वापस भिजवा रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव की मतगणना होने के बाद में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और जैसा भारत निर्वाचन आयोग ने हमें निर्देशित किया था, हमने 45 डे का जो टाइम होता है इलेक्शन पिटीशन का, तब तक के लिए हमने वहीं एसके कॉलेज में जहां पे मतगणना हुई थी वहीं से पृथक पृथक स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम्स को संरक्षित रखा गया था। अब क्योंकि 25 जनवरी को ईपी की जो नियत समयावधि होती है वो पूर्ण होने के बाद में हमें हाईकोर्ट से ये पता चला है कि एक फतेहपुर विधानसभा में रिट पिटीशन हुई है, अदरवाइज 7 जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी उनमें कोई पिटीशन नहीं है। तो आज हम सभी 7 कंस्टिट्यूएंसी फतेहपुर को छोड़ के उनकी ईवीएम्स को उन स्ट्रांग रूम्स को निकाल के और वेयर हाउस में स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को हमारे लेवल से आरओ के लेवल से सूचित भी किया गया कि वो भी अपनी नजर रख सकते हैं। अब वेयर हाउस में मशीन्स पहुंचा के और लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रथम स्तरीय जांच का कार्य है वो हम 1-2 फरवरी से शुरू कर देंगे, जिसमें बेल के 16 इंजीनियर्स यहाँ पे आएंगे और फतेहपुर विधानसभा की जो संरक्षित ईवीएम है उनकी लोकसभा चुनाव में उपयोग की अनुमति लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी एसडीएम फतेहपुर जो है आज हाईकोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके फिर फतेहपुर की ईवीएम्स को भी हम शिफ्ट करके लोकसभा में काम